गरीबे के सताव के चाहिए क्यों अगर गरीबन के रुआन शराब दी लमला तो है क्या औलादी है भगवान ने हमें एक बेच दिया है उसे मैं बेच नहीं बेचे के समान मानता हूँ बेटा बेटा मानता हूँ हाँ हाँ अरे दोनों समान है है मैं बेटे की तरह मानता हूँ अच्छा बेटा माना तो है उसका बिटिया क्यों है लेकिन अगर गरीबन का शराब पिला दे तो है बिटिया छीना निकल भैया जो गरीबन की क्यों सतावत है अरे गोटे तार लहगा निकलो तब जाए और उससे प्यार भरी बातें करूंगी देखो तो क्या कह रहा है जरा पागल हो गया क्या रे अरे नहीं पागल नहीं मैं दौड़ता हूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता जी तरह कैसा है जी बंद कर ले अरे बात नहीं ना मेरे अंदर जो ठीक क्या कि अमर सिंह बोलते हैं अरे चरखा चले मजेदार रे
ठीक तो है ना, लेकिन मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अरे बुलवाया किस वास्ते और मुझको आधिया, और अधिया मेरा बेचैन है और बता कौन
क्या कहा? इसका अंजाम बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। अच्छा सोच लो, मैं सोच लू अंजाम बुरा होगा। तुझे ऐसी बातें करते हुए उतार मेरे प्यारे अमर, मुझे चाटा मार के चले गए, मेरे ऊपर तरस नहीं खाया, इस जवाने पर तरस नहीं खाया। ठीक है अमर, तू मुझे चाटा मार के चले गए, अब मैं ऐसा चाल चलूंगी, ऐसा चाल चलूंगी कि दुनिया हैरत मानेगी। राम जादे अमर, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं कर दिया, मेरा नाम पुष्कर है, तुम्हें पास सोचती हूँ कहीं अगर जाकर ये पिताजी से बता देगा तो पिताजी मुझे यहाँ से निकाल देंगे। उसके पहले मुझे उपाय जरूर सोचूंगा कि मैं इसी को निकलाऊंगा। राम लगे राम ये जवानी पर मेरी तरह से खाया मेरे सामने सोच समझ कर सवाल करो। समझदार बोल, हमको पहले ये बताओ, पहले हाँ पहले आपने बाल कहाँ कटवाया था? ये विदेश की कटिंग है। अच्छा अच्छा है, आपका तो सर बहुत अच्छा लगता है, जैसे घोड़े का पोता है। एक हाथ मारूंगा बत्तीस के अंदर हो जाएगी। ये बात अच्छा रहा है, बाल क्या बाल, मैं समझता था कि मेरे बालों को देखोगे तो बहुत खुश हो। अरे क्या कहा था, कहाँ चला जाता है। कैसा आदमी है तू? नहीं है ऐसी बात नहीं, सुन तुझे मेरे साथ चला होगा। आज 3 महीने हो गए, गंगा देव 30,000 रुपए लेकर गया है, लेकिन अभी तक वो पैसे वापस नहीं किया। आज उसके घर पर चलेंगे, पैसा लेगा, चलिए साहब, अगर नहीं दिया तो उसके मकान पर कब्जा करेंगे। हाँ साहब बोलो, आज दियो क्या चीज, आज दियो हम क्या चीज, बड़कई पतुआ का लेहन, माँ बड़कई पतुआ खुश रहा थे, जेल के द्वार देखो के एक चल रहा है जहाँ काले रहा है। क्या चीज, अब छोटकई पतुआ कहा था हम कर लियो बाबा, छोटी वाली भी कहती है। अब हमारा जी बहुत कष्ट में पड़ा था, आखिर बात क्या है? छोटकई पतुआ से कहा, हम कहा बच्चा घबराओ ना, महीना आवत में तू हो तो ले जा रहा। लेकिन मैं तेरी बात समझ नहीं रहा हूँ,
अब आज हमारा महीना पूरा होएगा, पैसा दियो तनखा। ये बात बहू का साड़ी वाली ले जी पकड़े नहीं है जमा पप्पू जी आवतिया। कोई बात नहीं है, गंगा जी के घर से वापस आएंगे तेरी तनख्वाह किसे देंगे। अरे वाह और सब चलिए मेरे साथ चलो। गंगा जी मैं तेरे पास खास काम से आया हूँ। कौन सा खास काम है भाई? फरमाइए। सुन बता रहा हूँ गंगा सुन मैंने आपसे कोई कर्जा नहीं लिया है, अपनी मजदूरी लिया है, बेवजह आप मुझे सताए मत। यदि आप नहीं मानते हैं मेरे साथ महाराज समर सिंह के पास चलिए, वही हमारा आपका फैसला हो जाएगा। महाराज समर सिंह के दरबार? हाँ। हमारा तुम्हारा फैसला दरबार चलना होगा। चल महाराज समर सिंह के दरबार चलते हैं। पिताजी बात हो गई क्या? हाँ पिताजी, क्या मैं बतलाना चाहता हूँ। बतला अरे सुनो है पिता जिसलिए आप सुनो है पिता आ
चाचा ने हंतरी से मारा एक किसान।